का हिस्सा है, बहुत ही अच्छा मैच होगा। महिला वर्ग का सबसे बड़ा मैच जो टीम जीतेगी उसे 31,000 रुपए और जो टीम मैच लूज करेगी उसे 21,000 रुपए दिए जाएंगे। ये 52,000 रुपए का ये मैच है आप के बीच में, और सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे सोनीपत जिले के खिलाड़ियों की बात हो चाहे भिवानी के। सात नंबर जर्सी के तैयार दोनों साथ बहुत साल पहले एकदम है कि फाइनल मुकाबला है, और रेफरी महोदय जी बड़े चौकन्ने रहे हैं, और भाई सुहानी इस समय रेड पर साथ लो बिल्कुल पहला पॉइंट शिवानी ने, और भाई अब रेड पर चली साथी है सात नंबर जर्सी के खिलाड़ी कतेरी का महाराणा जिला जज्जर सभी देवता विजेता टीम को और उप विजेता टीम को जो नगद राशि दी जाएगी वो दी जाएगी। और फिलहाल दोनों ही टीमों को टूर्नामेंट दिए जाएंगे, इसमें टिकट भी दिए जाएंगे। और भाई अब रेड पर 33 नंबर जर्सी के खिलाड़ी रेणू का शादिया गांव सिक्कर जिले की ये बेटी है और केरंगा की टीम का हिस्सा है, राजस्थान प्रदेश की तरफ से नेशनल खेल चुकी है। सुभाष भाई साहब एक बार आ जाए, और भाई साथियों इतना आसान काम नहीं, बहुत ही हाई वोल्टेज मैच है। अब रेड पर 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी नाम मिली नरवाल गांव रेढ़ाना जिला सोनीपत रामबंश कोच साहब के पास कबड्डी की शुरुआत की, और आज वर्तमान की बात करें सोनीपत साई में खेलती है। और मेरे साथियों कैच लगा दी है राम बतेरी रूप भोला गांव केरंगा जिला भिवानी ने, ये बेटी भी फेडरेशन कप हरियाणा प्रदेश से खेल चुकी है, और अब सारी का इस समय रेड पर केरंगा की तरफ से अच्छा मैच साइंस सोनीपत और केरंगा दोनों ही टीमों में बहुत दम है, बहुत ही अच्छी टीमें हैं। और ये खासियत होती है खेलियों के टूर्नामेंट में कि कोई भी मैच कभी फिक्स नहीं होता, बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये मैच खेलती है बेटियां, इसी वजह से इस समय राजस्थान प्रदेश की बेटी बिल्कुल खुशी मदीना ने प्रयास किया था, एक नंबर खिलाड़ी नाम खुशी गांव मदीना जिला रोहतक जय रोहतक, जिस खिलाड़ी का अच्छा प्रदर्शन रहता है उसके लिए तालियां जरूर बजाएं, पर भाई मिनी एक पॉइंट देने में कामयाब रही कोई बच रहा हूँ इसकी प्रशंसा कर लड़की जिले की बेटी राजस्थान प्रदेश की बेटी रेणु का इस समय रेड करती हुई, और लीजिए मेरे साथ में यह है मिनी नरवाल कैच का अटेम्प्ट किया और कामयाबी मिली। अच्छा मैच साई सोनी पत्र केरंगा के बीच में, और आज से पहले की मैचों की बात करें तो शायद ही केरंगा की टीम बिल्कुल नजदीक आकर मैच लूज किया है, केरंगा ने इससे पहले जो मैच हुआ था साई और केरंगा के बीच में। ये महिला वर्ग कबड्डी की दो बेहतरीन टीमें हैं, स्कोर बताएं संदीप, स्कोर बोल तो रहा कर रोहतक रोहतक रोहतक, और भाई केरंगा का स्कोर 4 साई का स्कोर 5 है, 1 पॉइंट की लीड है, लेकिन मैच की अभी शुरुआत हुई है, देखते हैं आज कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। दोनों तरफ प्लानिंग की जा रही है, कोचों की तरफ से खिलाड़ियों की तरफ से दिमाग लगाया जाता है कि मैच किस प्रकार खेलना है, अपने विरोधियों से किस प्रकार लड़ना है, पूरी प्लानिंग की जाती है ये खेल, क्योंकि तीसरी रेड डिसाइड होती है इसमें। और अब डिप्टी इस समय रेड लगाने के लिए आई है भोला जी, खिलाड़ी आप डिस्ट्रीब्यूट करें फाइनल में से, और भाई आप फिर बतेरी सात नंबर जर्सी की ये बेटी महराणा गांव में अभ्यास किया देवेंद्र कोच साहब के पास, और साई में अब सिलेक्शन हुआ इस बेटी का, साई में कबड्डी खेलती है, बहुत ही मजबूत डिफेंस 5 खिलाड़ियों का, कबड्डी 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 की जय, हर रेट ढूंढाई रेट
तारिका इस समय डिसाइड रेट करती हुई और दोनों ही टीमों का स्कोर 5-5 है भाई, बिल्कुल हाई वोल्टेज मैच है। कमजोर दिल के दर्शक थोड़ा दूर चले जाए क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज मैच है। 5-5 का स्कोर तारिका इस समय रेड करती हुई आर लीजिए भाई साथियों, बिल्कुल खुशी खुशी का मरीना जिला रोहतक ने कैच लगाई। एक नंबर जर्सी के खिलाड़ी बहुत ही प्रतिभा ने ये बेटी और 5 पॉइंट तिरंगा। और यदि किसी भी टीम को पैलेंट लगती है तो साथियों वो टीम बिल्कुल निकल जाएगी। रोहतक जितनी भी टीमें आई है सभी टीमें अपनी एंट्री करवा दें क्योंकि इसके बाद पुरुष वर्ग कबड्डी का टूर्नामेंट होगा। और अब रेड पर शिवानी और मोनिका इस समय खेलो इंडिया रेड कर रही है। अश्विना हरियाणा को गोल्ड मेडल दिलाए बैडमिंटन में मोनिका ने और वे स्कोर की बात करें तो साई का स्कोर 7 और किरंगा का स्कोर 5। 7-5 का स्कोर शिवानी लगातार प्रयास करती हुई और अब 4 के डिफेंस में 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी मिनी इस समय रेडी करती हुई बहुत ही प्रतिभावान है। बेटी सोनीपत जिले के रिढ़ाना गांव से आती है, सोनीपत साई में कबड्डी का अभ्यास करती है। बिल्कुल कामयाब रही मिनी ने प्रयास किया लेकिन पॉइंट मिला तिरंगा की टीम को। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा खिलाने का और वही स्कोर 6 पॉइंट तिरंगा और 7 पॉइंट साई। इनका नाम भी कदर जाना ये इन सब में खुशी तो हरी मामा के नहीं खेला करते शुरू शुरू में इसको कैच मारेंगे इस बार पॉइंट लेके जाए। सकता है 7-7 भी हो सकता है 8-6 हो जाएगा इस बार पॉइंट लेके जाएगी। रेफरी का फैसला मान्य होगा 8 पॉइंट तिरंगा और 7 पॉइंट सही। बोलो जिंदा बहुत हाई वोल्टेज मैच है। पहले भी बता चुके हैं कि कमजोर दिल के दर्शक थोड़ा दूर चले जाए क्योंकि ये मैच इसी तरह चलेगा लास्ट तक। और हमारे रेफरी महोदय अपने फेस कर रहे हैं आप कसमे में नहीं दिखाओगे तभी सच्चाई सामने आ जाएगी। 9 पॉइंट साइन और 8 पॉइंट तिरंगा 9-8 का स्कोर। साई फिर ऐसे साई थोड़ी बनती है। मार्किंग कर दे पर ऑफिशियल टाइम है। ये जो मारवा की फिजिकल लेक्चर आ रहा है बहुत ही अच्छे
ऑफिशियल है और उनका साथ दे रहे हैं इस मैच में सुनील कुमार चानावास और भाई कृष्ण कुमार राजगढ़, सभी बहुत ही अच्छे ऑफिशियल है। फिर एक बार मैच अपनी गति पर और साथियों दोनों टीमों का स्कोर इस समय 9-9 पॉइंट, दोनों टीमों का स्कोर 9-9 पॉइंट। देखते हैं आज कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। दोनों टीमों ने कई बार बड़े टाई मैच खेले हैं, बराबरी के मैच खेले हैं। इस समय मिनी नरवाल इस समय रेड करते हुए और वही गलती हुई बहला जो पॉइंट अर्जित किया मिनी ने, साई का स्कोर 10, तेलंगा का स्कोर 9 और हाफ टाइम हो चुका है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक हाफ में मात्र एक पॉइंट की लीड साई सोनीपत की है। ये दोनों टीमें कितनी मजबूत है, एक गलती टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है और इस पूरे टूर्नामेंट को यूट्यूब के माध्यम से स्पोर्ट 4x4 यूट्यूब के माध्यम से सोनीपत साई की तरफ से स्कोर की बात करें एक पॉइंट और अर्जित कर चुकी है इस समय मिनी, यानी कि 2 पॉइंटों से साई की टीम आगे चल रही है। 11 पॉइंट साई और 9 पॉइंट तेलंगा। और भाई अब क्वार्टर और सेमी में बड़ा अच्छा स्कोर किया था, लेकिन साथियों साई की टीम का बहुत ही मजबूत डिफेंस है। आर लीजिए भाई फिर एक बार कैच लगाने का काम करती है। देखिए भाई साहब, भाई साहब ने बहुत देख लिया हमें खिलाड़ी सा मैच सरवण से टूर्नामेंट सरवण से पहला बताई थी। हेलो हो रहा बेटा जोड़ मन बोलो आपस में कुछ ना लगे भाई साहब गारंटी से लग रहा वो तो उसने देर रखी लेकिन अपने स्कोर नहीं देखा ना झूठ बोल दिया। क्या बढ़ गया
भाई चाय मंगाई और सी पर भाई अब रेणु का इस समय रेड पर बिल्कुल स्वीकार किया पॉइंट लिया रेणु का ने टाइम आउट शांति बनाए रखे हेलो जिंदा टीम ओके अरे देखो ये सर्विस 1.0 भाई की और भाई बहुत अच्छी सर्विस है 20 पॉइंट हो चुके एसआई की टीम के और 13 पॉइंट केलंगा के 7 पॉइंट से इस समय निकल चुकी है एसआई की टीम साथियों बहुत ही मजबूत टीम है और जहां तक आप सब कबड्डी के विद्वान दर्शक बैठे हैं जो साई की जो टीम है मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं सबके सब बेटियां ये प्रतिभावान है कहीं ना कहीं आपने बेटियों को नेशनल खेलो इंडिया जैसे टूर्नामेंटों में देखा होगा बहुत ही अच्छी टीम लेकिन केलंगा की टीम भी साथियों बहुत मजबूत आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेल रही है मिनी इस समय रेड करती हुई गाँव रिझाना जिला सोनीपत से मेरे कल 500 के साथ लगा दो नहीं हमें जीतेगी मामा तू भी कह ला जी तू भी लता तार ली अपने यार कमाल कर बहुत अच्छा आपके भी तुम देखने को मिल रहा है सुनील डर को हरी मामा वो देख हम को हरी का और अब बिल्कुल पता चल चुका है केलंगा की टीम के लिए 5 मिनट जो है वो करो या मरो की स्थिति होगी और इस समय रेणु का रेड करती हुई और पॉइंट अर्जित किया साई सोनीपत की टीम ने साई सोनीपत की टीम लगातार और बढ़ाती हुई बहुत ही प्रतिभा हमारे बीच में कुटेना से पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर साहब तेज राम जी बता रहे हैं मैनेजर साहब का बार बार धन्यवाद है यहाँ पर बताने पर मेरा स्वागत है मेरा कमेटी काकर गांव दोनों धारियों की तरफ से हेलो जिंदा पीर की जय और मैं शिवानी इस समय रेड करती हुई दर्शक साथियों केलंगा की बेटी लेकिन ये है रेघाना गांव की बेटी मिनी नरवाल बिल्कुल जबरदस्त एंगल एक ऑलराउंडर खेल दिखाया भाई चाय हाँ दे दे चाय उसको ही देखे यार लाल वाले को भाई उसको देखे क्या यार दर्शक साथियों लाइट की बात करें तो लाइट जहाँ पे चली गई है और
अरे स्कोर पर क्या स्कोर होगा भाई, भूल गई स्कोर लिखने वाली पूछ के आइए। सत लगाओगे पाई एक मिनट से महिला वर्ग कबड्डी का तैयार रहा दोनों टीमें ग्राउंड में रहे।